गुड इवनिंग, लेट अस कम टू बेसिक कॉन्सेप्ट। आज का जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो ये चैप्टर है क्या एक्चुअली, क्या ये सिलेबस में ये टॉपिक है? तो ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये आपने जो इंटरमीडिएट में जो पढ़ाई की है, या पहले आईपीसीसी भी बोलते थे, तो उसका एक हम जरा रिवाइज करेंगे एक दो दिनों में, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें जो इंटर के एफएम में पड़ी हुई है वो हमें यहाँ पर काम आने वाली, किसी न किसी टॉपिक में आप देखेंगे कि इसका कोई लिंकेज आ जाएगा। तो एक तरह से हम इंटरमीडिएट का सिलेबस को बहुत ही कम समय में, दो तीन दिन में रिवाइज कर रहे हैं, खासकर वो टॉपिक जिनका आगे फाइनल में कहीं ना कहीं कोई लिंकेज है। ये इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। तो एक जो टॉपिक जो लगभग सारे चैप्टर में आपके काम आएगा, लगभग सारे, चाहे वो बॉन्ड वैल्यूएशन हो, इक्विटी शेयर वैल्यूएशन हो, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, फॉरेक्स, एक चैप्टर तो आपको हर जगह लगने वाला ही है। कौन सा टॉपिक? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले सिखाऊंगा और बेसिकली कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, ताकि आगे आप फटाफट कैलकुलेट कर सके, कैलकुलेटर पे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालना वो आप कर सकेंगे, राइट? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब, आज एक रुपया अगर मेरे पास है, इट इज मोर वैल्यूएबल देन वन रुपी टुमारो। टूडेज वन रुपी इज मोर वैल्यूएबल देन वन रुपी टुमारो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स worth of a rupee received today is different from the worth of a rupee to be received in future. तो एक रुपया आज कल के एक रुपये से कभी भी ज्यादा valuable होगा। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे कारण है। एक और definition पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको कारण बताऊंगा। Time value of money means the value derived from the use of money over time as a result of investment and reinvestment. अगर आपके पास यहां पे 100 रुपीज हैं, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 100 नहीं रहेगी। आप इसको इन्वेस्ट करेंगे एक साल के लिए, 10% अगर इंटरेस्ट है तो 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपीज प्रिंसिपल है तो ये हो गया 110। अब अगले साल आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे? 110 इन्वेस्ट करोगे तो अगले साल आपको 11 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और 110 प्रिंसिपल है, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 121। और इस तरह से आप इसको इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके 100 रुपए की वैल्यू बढ़कर यहाँ पे काफी सारी हो गई है, राइट? सो इट मीन्स द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द यूज ऑफ मनी ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ, पहली बार तो हमने इन्वेस्ट किया और दूसरी बार हमने री इन्वेस्ट किया। री इन्वेस्ट मतलब इंटरेस्ट को भी हमने इन्वेस्ट किया, इसलिए इंटरेस्ट पे भी फिर इंटरेस्ट मिलने लग जाता है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाई मनी हैज टाइम वैल्यू, व्हाट आर द रीजंस फॉर टाइम प्रेफरेंसेस ऑफ मनी, ठीक है? और व्हाई मनी हैज टाइम वैल्यू, तो उसके चार इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक है रिस्क, दूसरा इन्फ्लेशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और चौथा प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। उसमें पहले 3 हमारे नंबर सॉल्विंग में काम आएंगे। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप मुझे 100 रुपीज उधार दोगे आज और मैं आपको एक साल बाद ये सेम 100 रुपीज का कड़क नोट वापस करूंगा एकदम न्यू? नहीं देंगे, भूल जाओ कि मैं तुम्हारा टीचर हूं। इन्वेस्टर की तरह सोचो, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा तुम सोच रहे हो और आप भी मुझे 100 रुपए वापस करोगे, इससे तो अच्छा था कि मैं 100 रुपए का इन्वेस्ट कर देता। तो मान लो अगर आप एक गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं बिल्कुल रिस्क फ्री, तो भी आपको 6% इंटरेस्ट तो मिलता। तो आपको 106 रुपए अगर मैं दूं
तो क्या आप रेडी हो जाएंगे? तब भी आपका जवाब होगा नहीं, बोलेंगे तो गवर्नमेंट बॉन्ड में 6% मिल रहा है, वहां पे रिस्क बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको लोन दिया 100 रुपए, यहाँ पे तो रिस्क ज्यादा है, 1 साल के बाद आप पैसे नहीं भी दे सकते हैं, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है मैं तुम्हें 106 तो दूंगा ही, क्योंकि 6 रुपए तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसके अलावा मैं तुम्हें 5 रुपए रिस्क प्रीमियम दूंगा, बिकॉज तुम मेरे ऊपर रिस्क ले रहे हो, तो मेरे ऊपर रिस्क ले रहे हो। तो कई बार रिस्क अगर ज्यादा हो तो उसको भी हम अपने टाइम वैल्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे मुझे 20% रिटर्न मिले, 18% रिटर्न मिले, 15% रिटर्न मिले, लेकिन वही आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आप 6% में खुश, 8% में खुश, ओके। कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो आप चाहेंगे मुझे इंटरेस्ट रेट 10-11% मिले, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 7-8% में खुश। तो ये जो 2-3% आप कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, उसका कारण क्या है? उसका कारण है रिस्क प्रीमियम। हाइयर द रिस्क, हाइयर विल बी रिस्क प्रीमियम, हाइयर विल बी द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैंने कहा प्यारे स्टूडेंट मैं तुम्हें 111 रुपए देता हूं, अब तो मुझे 100 रुपए दे दो। तो उसने कहा नहीं, इंडिया में इन्फ्लेशन भी बहुत है, 1 साल के बाद इस 111 रुपए की क्या वैल्यू? दूध, दही, फल, फ्रूट, वेजिटेबल का दाम ही इतना बढ़ जाएगा कि 111 रुपए का कोई मायने नहीं 1 साल बाद। तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हें और 2 रुपए देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट ऐसा मिले कि तुम इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा सको। तो अब देखना इन्फ्लेशन का हमारे टाइम वैल्यू में क्या रोल है। अगर आप जापान जाएंगे और वहां पे लोन लेंगे तो जापानी लोग आपको 1-2% इंटरेस्ट रेट में ही दे देते हैं लोन, पता है। और इंडिया में आप लोन लेने जाओगे तो कोई भी आदमी आपको 10-15% से नीचे बात नहीं करेगा। यूएसए में जाओगे तो वहां पे आपको 4-5-6% तक में मिल जाता है। तो ऐसे अलग अलग कंट्री में इतना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होने का कारण क्या है? उसका कारण है कि अलग अलग कंट्री में इन्फ्लेशन अलग है, तो वो चाहते हैं कम से कम मेरा इन्फ्लेशन हमारे को कॉम्पनसेट हो जाए, ना तो पैसे की वैल्यू घट जाती है। ये स्पेन 100 रुपए का है और अगर मान लो इन्फ्लेशन 10% है तो 1 साल के बाद इस पेन की वैल्यू हो जाएगी 110 रुपए। और मान लो 100 रुपए मैंने बैंक में लोन जमा, पैसे जमा किए, डिपॉजिट किया और बैंक वाला मुझे 8% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 साल के बाद मुझे एफडी रिकवर होगा 108 और तब तक इस पेन की कॉस्ट हो जाएगी 110। तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान, इससे अच्छा मैं 100 रुपए का पेन खरीद के आज रख लेता। तो लोग फिर क्या करेंगे, कमोडिटी में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, इज इट राइट? तो इन ऑर्डर टू बीट द इन्फ्लेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज टू बी ऑन अ हायर साइड। सो द 3 मेन कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, रिस्क। तो इंडिया में तीनों ही फैक्टर ज्यादा है, क्योंकि बैंक में, बैंक हो या एफडी हो SBI का, तो वहां पे भी 6-7% तो इंटरेस्ट मिल ही जाता है आपको। इसलिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट कहां से स्टार्ट होता है इंडिया में? 5-6% से, उससे कम में नहीं होगा, क्योंकि उतना तो आप आराम से बैंक में एफडी कर लो 1.5 साल के लिए, साल के लिए, तो 6% तो दे देती है SBI वाले, 5.5 दे देती है। प्लस इन्फ्लेशन भी इंडिया में ज्यादा है, इसलिए वहां पर इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है। रिस्क भी ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाता है। तो रिस्क का खेल हमारे क्वेश्चंस में काफी आएगा। इन्फ्लेशन थोड़ा कम है हमारे सिलेबस में, पहले एक चैप्टर हुआ करता था कैपिटल बजटिंग एंड इन्फ्लेशन, तो उस समय हम इन्फ्लेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो हम देखते थे, राइट। मनी लेंडर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है, बैंक इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करती है। पूछो क्यों? क्योंकि बैंक का रिस्क कम है और मनी लेंडर का रिस्क
हाई होता है। क्या मनी लेंडर आपसे सिक्योरिटी लेता है, क्या वो कोलैटरल लेगा, रजिस्ट्री करवाएगा, नहीं, स्टैम्प ड्यूटी पे साइन करवा के लेगा, नहीं। बैंक वाले पहले पूरी आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे, पूरा आपका आजकल सिबिल स्कोर चेक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, बिजनेस है तो पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट चेक करेंगे। उसके बाद आपके घर आके पहले चेक करेंगे, हाँ इसकी इतनी वैल्यूएशन है कि नहीं, फिर उसको वो सिक्योरिटी को रजिस्टर भी करवाएंगे, नहीं दिया तो आपको पैसे वो सिक्योरिटी बेच देंगे। लेकिन मनी लेंडर क्या करता है, बोलता आओ बैठो चाय पियो, बोलो कितना चाहिए, गड्डी निकाली दे दी, सामने वाले ने कभी कभी कुछ देता भी नहीं है सिक्योरिटी, इसलिए वो इंटरेस्ट रेट 20-30% लेता है, क्योंकि उसको नुकसान भी बहुत होता है, उसके 10 में से 2-3 कस्टमर पैसे भी नहीं देते हैं। बैंक के पास सिक्योरिटी रहती है, पैसे नहीं दिए तो बैंक सिक्योरिटी बेच सकती है, इसलिए रिस्क ज्यादा तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी ज्यादा। लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ अभी डिस्कस कर लेते हैं, प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। अगर आपके पास 100 रुपीज आज है तो आप कंजम्पशन आज कर सकते हैं, यू कैन एंजॉय दिस मनी टुडे। लेकिन आपको मैंने कहा डियर स्टूडेंट ये 100 रुपए तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 साल बाद वापस करूंगा विद इंटरेस्ट एंड अदर थिंग, तो क्या हो रहा है, यू आर पोस्टपोनिंग योर प्रेजेंट कंजम्पशन, यू आर पोस्टपोनिंग योर, यानी जो चीज आप आज एंजॉय कर सकते थे उस पैसे से, उसको आप 1 साल के लिए डिले कर रहे हो। सो देयर इज अ पेन ऑफ पोस्टपोनिंग द प्रेजेंट कंजम्पशन, सो यू वुड लाइक अ कॉम्पनसेशन फॉर दैट ऑल्सो। सो जितना आपका प्रेफरेंस होगा प्रेजेंट कंजम्पशन और आपसे पैसे निकलवाना हो तो आपको मोटिवेशन फिर ज्यादा देना होगा, आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी हायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए नीचे लिखा है, व्हाई द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड, तो उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो आपको यहां पर लिखना है और उसका जवाब देना है। ठीक है, व्हाई द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड, मुझे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ ना यहां पर लिखो, यू हैव रुपीज 1 लाख टू इन्वेस्ट फॉर अ ईयर, तो आपके पास 1 लाख रुपए 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन वन, इन्वेस्ट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट है यहां पे 10% पर एनम, एनुअली कंपाउंडेड, एनुअली कंपाउंडेड, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम एनुअली कंपाउंडेड। और दूसरा ऑप्शन टू क्या है, इन्वेस्ट इन पंजाब नेशनल बैंक FD, इंटरेस्ट रेट इज 9.5% पर एनम, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, यानी हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले बार इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, हाफ ईयरली कंपाउंडेड। क्वेश्चन है, व्हाई द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड। इस एक एग्जांपल से ये बात आपके मन में बैठ जाएगी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है। सो क्वेश्चन क्या है, वेयर विल यू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों को कंपैरिजन बनाना होगा,
बोलो ना हाँ, तो अगर मैं SBI में इन्वेस्ट करता हूँ 1,00,000 रुपए टुडे, तो सीधा 1 साल के बाद मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो यहां पर मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा और मेरा प्रिंसिपल कितना है? 1,00,000। 1,00,000। सो मुझे 1 साल के बाद SBI वाले 1,10,000 रुपए देंगे। और अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्ट करता हूं, यहां देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हमें कंपैरिजन जब भी करना हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है। अब यहां पर मैं 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो यहां पर मुझे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। पहले इंटरेस्ट रेट बताओ कितना? 9.5% पर एनम है, तो 9.5% का आधा मिलेगा ना आपको, कितना होता है जरा देखना, 4.75%। 1,00,000 इंटू 4.75% करके बताना, 4,750। ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका प्रिंसिपल 1,00,000 है, तो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 महीने बाद, ये 6 मंथ है, 1,04,750 हो जाएगा। और अगली बार इस अमाउंट पे आपको 4.75% इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक बार जरा वापस मुझे बताना कि 1,04,750 इंटू 4.75% करेंगे तो इंटरेस्ट कितना मिला? 4,977, ठीक है, 0.77, ठीक है, और आपका प्रिंसिपल है 1,04,750। अब टोटल करना, तो अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट किया 1 साल के लिए 1,09,727.79, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करेंगे तो 1,10,000 मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक में करेंगे तो 1,09,727। तो इन्वेस्ट इन SBI, इन्वेस्ट इन SBI, तो ये आंसर लिखना पड़ेगा आपको इतना। तो अब आप सोचो, अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता होता तो शायद आप हाफ ईयरली कंपाउंडिंग देखकर आप बोलते, नहीं पंजाब नेशनल बैंक अच्छा है, 2 बार इंटरेस्ट है, लेकिन हमें पूरा कैलकुलेशन करना है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकर आना है कैश फ्लो को और फिर कंपेयर करना है। तो ये हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक एडवांटेज। हाँ जी, एक क्वेरी पूछना चाहते हैं। कवर हो चुके हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है इनके कैलकुलेशन में उनके हिसाब से उन्होंने उसको कवर कर लिया है। IRR के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, जब समय आएगा तो हम IRR भी डिस्कस करेंगे। हाँ, IRR मतलब जो आपको रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होता है, और ये जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कोट किया है इसको हम बोलते हैं कूपन रेट। कूपन रेट तो कई बार वो दोनों सेम हो सकते हैं, कई बार अलग भी हो सकते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट चैप्टर जब बॉन्ड वैल्यूएशन करेंगे तो वहां पर सेम क्वेरीज आएंगी, उस समय आपको थोड़ा उनके बीच जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। तो ये आपने आंसर लिख लिया, वाई द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड टू कंपेयर द टू ऑप्शंस एंड टेक द राइट डिसीजन। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स देखकर समझ पाना मुश्किल है कि हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा,
तो उस केस में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज यूज करते हैं, दोनों को कंपेरेबल बनाते हैं और उसके बाद से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप चूज करेंगे। अगर यही क्वेश्चन में आपको रिवर्स कर दूं, आपको 1,00,000 रुपए लोन लेने हैं, 1,00,000 रुपए आपको लोन लेने हैं, तो कहां से लोन लेंगे? उस केस में मेरा आंसर होगा पीएनबी, क्योंकि पीएनबी को मुझे 1 साल के बाद कम पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट। तो मैंने नीचे एक समरी बनाई है, व्हाई द नॉलेज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नीडेड। एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगभग सभी टॉपिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट पर रीजन है टू मेक कंपेरेबल वैल्यू एट ऑफ द डिफरेंट रूपी अमाउंट अराइजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इनटू इक्विवेलेंट वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इंटरमीडिएट में या आईपीसीसी में, वहां पर क्या होता था कि आप एक अमाउंट तो आज इन्वेस्ट करते हो, मान लो किसी क्वेश्चन में दे रहा था मशीन विल कॉस्ट यू 1,00,000 और मशीन से आपको कैश फ्लो जनरेट होगी अगले 4 सालों में 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 और आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो 10% है, तो क्या आप इस मशीन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? अभी आप डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकते हो, इनको डायरेक्टली ऐड करना गलत है, तो इसको पहले हमें डिस्काउंट करना होगा 10% से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर अब ये दोनों कंपेरेबल हो गए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये भी एडवांटेज है कि कैश फ्लो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों ना इनकर करें या रिसीव करें, उनको हम कंपेरेबल बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल में जो भी मैंने लिखा था इसमें हमने इनका फ्यूचर वैल्यू कंपेयर किया था, एक तरीका फ्यूचर वैल्यू निकालना और एक तरीका है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ठीक है। दूसरा जो आप ऑलरेडी इंटर के सिलेबस में देख चुके हो, कैपिटल बजटिंग का चैप्टर तो टाइम वैल्यू के बगैर हो ही नहीं सकता, बिकॉज मशीन अभी खरीदते हैं उस पर कैश फ्लो बाद में मिलता है, डिसीजन लेना है कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो पहले हम उसकी फ्यूचर इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो ज्यादा आता है तो हम उस डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली हेल्प्स यू टू कंपेयर वन डिफरेंट ऑप्शंस एंड मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। दूसरा एडवांटेज है टू कंपेयर कैश फ्लोस अराइजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कंपेरिजन के लिए या तो आप सारे कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू एक जगह पे लेकर आ जाओ या सारे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू एक जगह पे लेकर आ जाओ। तो अब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का वो देखेंगे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं या रिक्वायर्ड रिटर्न भी कह सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन दो तरह से हो सकती है, कौन कौन से दो तरह से? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इज इट राइट? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? बचपन में सिखाया गया था, सिर्फ अगर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो तो उसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन जहां इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है PNR। PNR में से P क्या है? प्रिंसिपल, अमाउंट ऑफ मनी ऑन विच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। N क्या है? N इज नंबर ऑफ ईयर्स और R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इन तीनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है अमाउंट आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ले लो, हो गया ना फ्यूचर वैल्यू प्रिंसिपल और जितना इंटरेस्ट कमाया। और अगर आप मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो पी इंटू 1+NR। उसका कारण क्या जरा देखना, प्रिंसिपल इज पी, इंटरेस्ट इज PNR, इसमें P कॉमन हो गया, तो P कॉमन होने से फॉर्मूला बन जाता है 1
plus NR multiplied by P. Is it right? तो आप दोनों में से कोई यूज कर लेना. लेकिन एक सिंपल सी बात बताऊं, आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट का काम बहुत कम पड़ेगा. जहां पे टाइम पीरियड बहुत कम है, मान लो एक महीने का क्वेश्चन हो, दो महीने का हो, तो वहां पे शायद यूज करेंगे. लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड बढ़ता है, दो साल, पांच साल, एक साल से जैसे ही ज्यादा हुआ, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएंगे. राइट. तो चलिए पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन, वहां नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन वन, वहीं पे लिखा हुआ है, वहीं पे सॉल्व करो पेंसिल से. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 8000 फॉर 4 इयर्स एट 12% पर एनम. दिख रहा है? दो कैलकुलेशन करके बताना है आपको. एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और दूसरा अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स कितना मिलेगा आपको, वो निकालना है. तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं. हाँ, यहां पे लिखो. सिर्फ ये एक रिवीजन के लिए टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं. इसलिए फाइनल में ऐसे क्वेश्चन न तो पहले कभी आए थे न भविष्य में कुछ आएंगे. तो पहले मुझे इंटरेस्ट निकाल के बताओ. 8000 इंटू 4 ईयर्स इंटू 12%, जल्दी बोलो. 3840. और दूसरा लिखो अमाउंट. अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. एक बार जब इंटरेस्ट मैंने निकाल ही लिया है तो सीधा सीधा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ दो. तो ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू 11840. इसको हम फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं. 4 साल के बाद इतना अमाउंट हमें मिलेगा. सो इंटरेस्ट इज द ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू. ये हो गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ये हो गया फ्यूचर वैल्यू. और इस दोनों वैल्यू को कौन सी लिंक कनेक्ट करती है? इंटरेस्ट. तो ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का नाम क्या है? इंटरेस्ट. तो अगर आपको फ्यूचर से प्रेजेंट में आना हो तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे. फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट इस प्रेजेंट वैल्यू, मतलब उल्टा हम सिर्फ बढ़ रहे हैं. और आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की ओर जाना है तो इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं. जब हम इंटरेस्ट को घटाते हैं तो कई बार हम उसको डिस्काउंट या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं. है अलग अलग चीज नहीं है, वो है एक ही चीज. इंटरेस्ट मतलब हम फ्यूचर की ओर जा रहे हैं और डिस्काउंट मतलब हम फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर जा रहे हैं. क्योंकि फ्यूचर वैल्यू को अगर आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करोगे तो आंसर कम आता है, क्योंकि हम उससे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इसलिए डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं. और प्रेजेंट से फ्यूचर पे जाते हैं तो हम कंपाउंड वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट हम ऐड कर रहे हैं. इज इट राइट? तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट पे एक एग्जाम्पल. बस एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा समय अभी दे नहीं सकते. मेन जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में या आगे के जो भी चैप्टर्स आप करोगे, तो आपको ये मान के चलना है, अजम्पशन है कि प्रॉब्लम कंपाउंड इंटरेस्ट का है. जब भी क्वेश्चन में एक साल के ऊपर का प्रॉब्लम आए और उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि एनुअल सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या मान के चलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल. और अगले राउंड में जो हमने पीएनबी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, पंजाब नेशनल बैंक का, तो अगले पीरियड में जो इंटरेस्ट ऑलरेडी अर्न हो चुका है उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सिंपल भाषा में बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. इज इट राइट? अगर 1 रुपया मान लो 10-10% के रेट से भी कंपाउंड हो रहा है, तो अगर आप 100 साल बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 रुपये की वैल्यू भी कई बिलियंस रुपीज में पहुंच जाती है, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो. इज इट राइट? तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इसीलिए हम लोग हमेशा लोगों को सलाह देते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर कि आप पैसे इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, ताकि जब आप रिटायर हो गए 15-20 साल 40 साल बाद,
तो वही 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड बिकॉज यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एवरी ईयर. यहां पर हमारा जो कैलकुलेशन है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा. अभी कौन से 4 फैक्टर? एक तो प्रिंसिपल, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा नंबर ऑफ ईयर्स, और एक आइटम है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग. फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या क्या हो सकता है? एनुअल, सेमी एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, डेली, इज इट राइट? और एक डेरिवेटिव चैप्टर में आप पढ़ोगे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मतलब वो हर सेकेंड कंपाउंड हो रहा है, यानी वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग. लेकिन आज हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पे नहीं जाएंगे, आज जस्ट बेसिक एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग और क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मंथली कंपाउंडिंग देखते हैं. अगर आपका एग्जाम में पूरे सिलेबस में अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या अज्यूम करना है? एनुअल कंपाउंडिंग, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअल कंपाउंडिंग दिया हुआ, कंपाउंडिंग होगा और किस रेट से होगा? एनुअल कंपाउंडिंग के रेट से, साल में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा. सेमी एनुअल में क्या होगा? 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा. वो जो पंजाब नेशनल बैंक का प्रॉब्लम था वो सेमी एनुअल वाला क्वेश्चन था. क्वार्टरली कंपाउंडिंग रहा मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा. मंथली कंपाउंडिंग रहा तो 12 टाइम्स मिलेगा. द पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड इंटरेस्ट पीरियड और कन्वर्जन पीरियड. अब एक नोट अंडरलाइन करना आपकी बुक में, इफ कन्वर्जन पीरियड इज नॉट मेंशन, इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड एनुअली. अंडरलाइन, इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड एनुअली इफ कन्वर्जन पीरियड इज नॉट मेंशन. तो ये सिंपल सी बात याद रखनी है. और एक इस चैप्टर में एक टर्म बार बार आएगा, एनवीटी, और आगे के लगभग सारे चैप्टर में एनवीटी के साथ हमें डील करना है. तो एनवीटी का मतलब क्या होता है? गेस करो. एनवीटी मीन्स पीरियोडिक फ्लो ऑफ इक्वल कैश अमाउंट. पीरियोडिक फ्लो ऑफ इक्वल कैश अमाउंट, एनवीटी इज अ कैश फ्लो. आइदर इनकम, इनफ्लो भी हो सकता है, और आउटगोइंग, इन्वॉल्विंग सेम सम इन ईच पीरियड. सब कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है. हमारा पर्पस है आपको मैक्सिमम एक्सप्लेन करना. डिक्टेशन में बहुत टाइम वेस्ट होता है. एन एनुइटी इज द पेमेंट और रिसीट ऑफ इक्वल कैश फ्लो पर पीरियड फॉर ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी सेट असाइड अ फिक्स सम ईच ईयर टू मीट अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इट इज कॉल्ड एनुइटी. तो जब तक हम एक दो एग्जाम्पल आपसे डिस्कस न करें आपको मजा नहीं आएगा. अपने आस पास देखो, आप लोग तो ऑफिस वगैरह में आर्टिकलशिप भी करते हैं, कर चुके हैं, तो एनविटी के कुछ एग्जाम्पल ढूंढो अपने आसपास. यानी अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए और उनके बीच का गैप भी इक्वल होना चाहिए. क्या आपकी स्टाइपेंड एनविटी है? हाँ, फिक्स्ड होगा तो होगा ना, हर महीने, यानी गैप 1 महीने का है और हर महीने में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है, जो भी 10,000 5,000 मिलती है. अगर आपकी सैलरी भी फिक्स्ड है, मान लो कोई उसमें डिडक्शन नहीं होता है, वो भी एनुइटी है. अगर आप डिबेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है. तो हमारे सिलेबस में डिबेंचर है. प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, वो भी एनुइटी हो गई. और क्या हो सकता है? पेंशन, जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको गवर्नमेंट हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट देती है पेंशन. तो एक मैंने एग्जांपल ऑफ एनुइटी लिखने के लिए आपके लिए जगह छोड़ रखी है. तो क्या क्या एग्जांपल लिखेंगे? स्टाइपेंड और सैलरी फिक्स्ड होना चाहिए. हाँ, हम अज्यूम कर रहे हैं फिक्स्ड है, ब्रैकेट में लिख दो. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और बॉन्ड. सिंपल से एग्जांपल अभी लिख रहे हैं,
उसके बाद आपने कहा पेंशन, ये आप लोगों ने ही बताया पेंशन, उसके बाद लिखना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी आपको हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना रहता है, आप उसी बॉक्स में लिखते रहो जितना लिख सकते हो। लीज रेंटल, हाँ एसआईपी भी लिखते हैं लीज रेंटल, बहुत अच्छा एग्जांपल, लीज रेंटल भी बहुत बार फिक्स रहता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में कुछ स्कीम्स होती है जहां पर आपको एक हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जैसे एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और क्या हो सकता है, जब आप लोन लेते हैं तो बैंक को ईएमआई भरना पड़ता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बराबर ना। फिर आप कभी कभी एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं बैंक में, रेकरिंग डिपॉजिट आरडी, जहां आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर लिख सकते हैं आप, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये सब हमारे आगे काम आने वाला है। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इक्विटी शेयर में डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, कम या ज्यादा हो सकता है, राइट। तो एक आपको एक अंदाजा आ गया कि ईएमआई मतलब एक तो अमाउंट इक्वल रहेगा और उनके बीच में जो गैप रहता है वो भी इक्वल रहता है। तो एनुइटी पढ़ने से हमें फायदा क्या है कि मान लो अगर 10 बार एक ही अमाउंट रिपीट हो रहा है और आपको उन्होंने कहा कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो या फ्यूचर वैल्यू निकालो, तो या तो आप 10 को अलग 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 सॉल्व करके टोटल कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से डायरेक्टली एक बार में ही सारे का आंसर आ सकता है कि नहीं। इसलिए एनविटी से क्या होता है, हम उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर वो एनविटी के फॉर्म में वो क्वेश्चन है तो। और एक क्वेश्चन पूछना, बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एनविटी कैसे हो सकता है। आपके पास मान लो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं, ये आपके पास 1 लाख रुपए है और कंपनी आपको 10% डिविडेंड देती है और 10 ईयर के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है, तो आपको कंपनी हर साल 10,000 रुपए देगी ना, डिविडेंड तो फिक्स रहता है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड एट अ फिक्स रेट। कुछ कुछ होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, वैसे इंडिया में बहुत ही रेयरली वैसा कोई प्रेफरेंस इश्यू किया, तो वही मैं कहा कि हम सिर्फ सिंपल बातें डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन जितना करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आगे के चैप्टर्स में। आज हमारा ऑब्जेक्टिव एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेना इंटर को, बेसिक चीजें, इसलिए टॉपिक का नाम मैंने रखा बेसिक कॉन्सेप्ट। नॉर्मली आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक फिक्स रेट मिलेगा, ठीक है, और आपने जो अमाउंट किया वो पहले से ही फिक्स्ड है, तो हर साल आपके अकाउंट में देखना 10,000 रुपए आ जाएगा, तो एनुइटी हो गया ना, बिकॉज हर साल आता है और 10,000 रुपए ही आता है, तो अमाउंट भी इक्वल गैप भी इक्वल, प्रॉफिट पे वेरी नहीं करता। तो हम अज्यूम करेंगे कंपनी हर साल प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेगी टाइम पे, तो आपको टाइम पे हर साल 10,000 रुपए मिलेगा। हाँ अगर किसी साल लॉस हो गया तो शायद नहीं पे, बट वो सब बहुत आगे की बात है, वैसे तो हमारा डिस्कशन खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंपाउंडिंग के, तो पहले आप देखना कि हम कहाँ खड़े हैं इस डायग्राम में, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है वो कितने प्रकार के आएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंगल कैश फ्लो मतलब एक ही आपको क्वेश्चन में कैश फ्लो दिया गया, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। आपको पूछा जाएगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किए, इंटरेस्ट रेट 10% है, 1 साल के बाद या 5 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये हो गया सिंगल कैश फ्लो। मल्टीपल कैश फ्लो मतलब 1 लाख रुपए आपने स्टेट बैंक में जमा किया, फिर अगले साल और 1 लाख रुपए जमा किया या 1.5 लाख जमा किया, तो अलग अलग अमाउंट हम अलग अलग पॉइंट पे मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है।
तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दो तीन कैश फ्लो दिए जाएंगे कि 1,00,000 रुपए आपने जमा किया 5% के रेट से, 2,00,000 रुपए जमा किया आपने 6% के रेट से, 3,00,000 जमा किया मान लो आपने 7% के रेट से, 10 साल के बाद आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंगल कैश फ्लो वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। सबकी अलग अलग पहले इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर लो और उसका फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद बस एक काम और करना, आंसर को ऐड कर देना, तो ये आपको देगा टोटल फ्यूचर वैल्यू, राइट। लेकिन एनवीटी में भी मल्टीपल कैश फ्लो होता है, फिर आप बोलेंगे सर एनवीटी में भी तो मल्टीपल कैश फ्लो होता है, यहां पर भी तो हमें कई सारे अमाउंट रिपीट होते हैं, लेकिन यहां पर अमाउंट ऐसे दिया जाएगा आपको 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 ऐसे मिल रहे हैं आपको हर साल या इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस पर गैप भी बराबर रहेगा। ये गैप या तो 1 महीने का रहेगा या 3 महीने, 6 महीने, साल, जो भी है, गैप भी बराबर है, इसलिए एनविटी हो गया। तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है, एनविटी इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो प्रॉब्लम जिसमें अमाउंट इक्वल, गैप इक्वल। मल्टीपल कैश फ्लो में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट कोई भी गैप के साथ आपको दिया जा सकता है, ठीक है। अब एनविटी का क्वेश्चन रहा तो फॉर्मूला यूज करना मेरे लिए इजी हो जाता है, यानी मान लो 20 साल तक भी 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 रिपीट हो रहा है तो मुझे 20 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहां पर भी दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जरा ध्यान देखना। एक तो एनविटी एट द एंड, मतलब आपको आप अमाउंट ईयर एंड पे जमा कर रहे हो या पीरियड एंड पे कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरी कम मिलती है, एंड ऑफ द ईयर मिलती है, एंड ऑफ द ईयर मिलती है ना, मंथ एंड पे, और आप जैसी मिलती है आप उसको बैंक में एफडी में आरडी में जमा कर देते हो। दूसरा होता है जब आप कोई जगह रेंट पे लेते हो, तो कई बार रेंट हमें लीज रेंटल एडवांस में पे करना होता है, तो क्या दोनों की फ्यूचर वैल्यू एक ही आएगी, नहीं, इसकी ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां पर हर एक अमाउंट को एक बार ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप मंथ एंड पे जमा करेंगे अपनी सैलरी को आरडी अकाउंट में, तो पहले वाला जो अमाउंट जमा करोगे उस पर सिर्फ 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप बिगिनिंग में जमा कर दोगे तो आपको 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए दोनों का फॉर्मूला वापस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इज इट राइट। तो पहले मैं आपको ये फॉर्मूला बता दूं, मल्टीपल कैश फ्लो के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, जो सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला है वही मल्टीपल कैश फ्लो में हर एक कैश फ्लो के लिए वो फॉर्मूले को यूज करना है। एनविटी के लिए हमें दो फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला यहां पे देखना, नीचे लिखा हुआ फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो इज व्हेन कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, कंपाउंडिंग इज डन एनुअली। सर हमें बचपन की याद आ रही है, भी बिल्कुल सही कहा आपने, यही सिखाया जाता था 4th-5th standard में, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+R/100 to the power n। प्रेजेंट वैल्यू तो आपको समझ में आ गया, ये r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू दी पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। कई बार हम क्लास में क्या करेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे PV इंटू 1+R/n, ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले में। अब इस फॉर्मूले का जरा लॉजिक समझते हैं। सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं आज, 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, ये 100 रुपया है इस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये होगी 110, फिर 110 पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हो गया 121। सो मैथमेटिकली क्या हो रहा है, 100 into 1.10 हो रहा है, क्योंकि 100
इंटू 1.10 करेंगे तो 110 हो गया, फिर वापस इंटू 1.10 हो रहा है तो 121। तो क्या मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकता हूं, 100 इंटू 1.10 स्क्वायर इक्वल टू 121। बात तो वही है। तो इसको उन्होंने जनरलाइज कर दिया पीवी इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन। एक्चुअली कैलकुलेशन ऐसा हो रहा है, समझ में है? लेकिन अगर 30 साल का क्वेश्चन रहेगा तो क्या आप ऐसी 10 10 10 10 10 लिखते जाओगे? फॉर्मूला काम आ गया, बट फॉर्मूले की लॉजिक समझ गए। ये हर साल 10% 10% ऐड हो रहा है, दो साल के प्रॉब्लम में दो बार 1.10 से वो मल्टीपल बढ़ता जा रहा है, इसलिए 121। यही लॉजिक जो है वो बाकी के फॉर्मूले के लिए भी एप्लीकेबल है। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मतलब टू कंपाउंडिंग पीरियड्स विद इन अ ईयर। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, पीवी इंटू 1 प्लस आर बाई 2 टू दी पावर एन इंटू 2। अब इसका भी जरा कारण समझ लो, ऐसा क्यों दिया गया है। ये है हमारा ईयर जीरो, ये हमारा लास्ट में ईयर टू, बीच में आएगा ईयर वन। अब मान लो प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, तो आपका दो साल के बाद अमाउंट कैसे आएगा जरा चेक करना। और फ्रीक्वेंसी क्या है, हाफ ईयरली। तो कैलकुलेशन बैंक वाले या कोई भी कैसे करेगा, पहले आपका 100 रुपए लेगा, 6 महीने बाद वो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो 6 महीने बाद उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप सोचो, अगर 10% पर एनम है तो 6 महीने के बाद आपको 10% तो नहीं देगा, वो देगा क्या 6 महीने के बाद 10%? वो नहीं ना, 6 महीने के बाद तो 10% नहीं देगा, वो आपको बोलेगा कि 10% तो साल भर का है, तो 6 महीने के लिए मैं आपको आधा ही दूंगा, तो प्लस 5% हो जाएगा ये। तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 105। फिर अगले 6 महीने में फिर इस पे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब ये हो गया, जरा देखना कितना होता है, 110.25। ये हो गया 12 महीने खत्म हो गए। अब यहाँ पे 18 मंथ्स पे जब हम पहुंचेंगे तो इस पे 5% और मिलेगा। अब इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 115.76 समथिंग। कैलकुलेटर पे नंबर हटने मत देना, प्लस 5% और करो, 1 to 1.55। अब इतनी मेहनत अगर आप करोगे, कोई 20 साल का क्वेश्चन आ गया तो हो क्या रहा है जरा देखना, 100 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1. चार बार आपने इंटू 1.05 किया, यस और नो? 1 2 3 4। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 1.05 टू द पावर 4। एग्जैक्टली यहां पर वही लिखा हुआ है, पीवी 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 2, आर मतलब 0.10 कर देते हैं 10% को, डिवाइड बाई 2, और एन 2 ईयर है तो 2 इंटू 2। तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स डबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स डबल हो जाएगा, करेक्ट? बोलो ना, दो साल में चार बार कैलकुलेशन हो रहा है ना, दो साल में चार बार, तो पावर बढ़ना चाहिए और इंटरेस्ट रेट आधा हो जाना चाहिए। अब आप खुद ही क्वार्टरली का फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हो। क्वार्टरली का फॉर्मूला कैसे डेवलप करोगे, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 4